आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा 3M और नॉर्मल टेप में डिफरेंस के बारे में। तो अगर आप लोग इस टेप को यूज़ कर रहे हो अपने ऑनलाइन ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए या पैक करने के लिए तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बात करूं यहाँ पे डिटेल्स की, तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स मेंशन है 3M वाले टेप पे कि यहाँ पे आपको पैकेजिंग टेप है ये, और साथ ही में 2 इंचेस का ये आपको मिलता है, 50 मीटर्स की लेंथ है, प्राइस है 170 रुपीज़, मंथ एंड मैनुफैक्चर ये आपका अप्रैल मंथ और 2021 में बना हुआ है। यहाँ पर और भी डिटेल्स यहाँ पर मैंशन है कि आप लोगों को यहाँ पर कहाँ से इम्पोर्ट किया गया है, कहाँ पर ये मैनुफैक्चर होता है, तो कर्नाटका में ये मैनुफैक्चर होता है। अगर आपको कोई कंप्लेन करनी है तो उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह दिए गए हैं, मेल आईडी एंड जो उनके नंबर्स वगैरह हैं वो यहाँ पे मेंशन है, तो आप इनको मेल करके बता सकते हो कोई दिक्कत या परेशानी होती है उस केस में। साथ ही में कुछ बार कोड है ताकि ये लोग आराम से इसको ट्रैक कर सकें या इन्वेंट्री के लिए। तो ये मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है, जिन लोगों को भी इसको ख़रीदना होगा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इसको परचेस कर सकते हो। अब यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का रोल मिलता है, हमें दो रोल में आता है ये, तो 170 का राउंड मुझे मिला था ये, मैंने अमेज़ॉन प्राइम से ऑर्डर किया था तो मुझे यहाँ पे शिपिंग चार्जेस भी देने नहीं पड़े थे। तो अच्छी खासी ब्रांडिंग है अंडर के साइड में भी, और यहाँ पे 3M की पूरी पूरी ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। तो ये स्कॉच ब्रांड का है, तो स्कॉच ब्रांड भी जो है वो अभी 3M के ओन कर लिया है इंडिया में भी और बाहर कंट्रीज़ में भी। तो स्कॉच ब्राइट जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पीछे के साइड में या अंदर के साइड में आप लोगों को भी वही सेम डिटेल देखने को मिल जाती है, 4.8 सेंटीमीटर ये टेप है। तो यहाँ पे मैं इस दोनों टेप को कंपेयर करने वाला हूँ, तो साथ ही में मैं यहाँ पे एक नॉर्मल टेप भी लेके आया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे इनकी ब्रांडिंग दिखा दूँ तो वॉन्डर टेप करके ये करके कोई कंपनी है, वॉन्डर 777 करके, जो इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो मैं यहाँ पे किसी का ब्रांड के या कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अलग अलग कॉस्ट पे भी है, तो कॉस्ट वगैरह पे भी मैं उन सारी चीज़ को कवर अप करूँगा। तो ये 170 रुपीज़ के अराउंड का टेप है, तो ये दो पीसेस का, और यहाँ पे ये जो नॉर्मल टेप बनता है ये करीब 30-40-50 रुपए में आप लोगों को नॉर्मल मार्केट में देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो टेप है 3M का, यहाँ पे आपको एक अच्छे से मार्किंग देखने को भी मिल जाती है, जिससे आपको पता होता है कि ये इसका एंड है, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जब आप इसको पहली बार यूज करते हो तो आप लोगों को पता रहेगा, बट आप नॉर्मल टेप लेने जाओगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, वो लोग किसी भी साइज में किसी भी लेंथ में रोल कर देते हैं, इवन उनको भी नहीं पता होता कि ये टेप कितने का रोल हो रहा है। तो जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है काफ़ी छोटी होती है, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इस टेप को पहले भी यूज़ कर चुका हूँ, ये जो नॉर्मल वाला है, मैंने इसके लिए जो हमारा टेप डिस्पेंसर होता है उस पर मैंने यूज़ किया हुआ है। साथ में ये 3M वाला मैंने अभी यूज़ नहीं किया हुआ है, बट मैंने मंगाया था देखने के लिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो स्टिकनेस आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने दोनों टेप को कंपेयर किया है, तो स्टिकनेस 3M के टेप में ज़्यादा मुझे दिखी है, क्योंकि ये जो नॉर्मल टेप है उसमें इतने ज़्यादा स्टिकनेस नहीं देते, बट 3M के टेप में ज़्यादा स्टिकनेस मुझे दिखी है। साथ ही मैं बात करूँगा, जो भी इस वीडियो में बिल्कुल ऑनेस्ट होगा मेरा रिव्यूज़, तो ऑलरेडी इंटरनेट पर और भी चीज़ें अपलोडेड हैं, बट मैं यहाँ पर सारे टेस्ट नहीं करूँगा, जो मुझे सही लगेगा वो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। अब चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास एक बॉक्स है, तो इस बॉक्स पे मैंने ये जो नॉर्मल वाला टेप है मैंने उसको यूज़ किया हुआ था, आप लोग देख सकते हो डबल डबल टेप मैंने किया था। फिर इसके बाद कुछ टाइम के बाद में इनकी स्टिकनेस लगभग लगभग ख़त्म हो जाती है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, इसलिए मैंने 3M के टेप को मंगाना चाहा कि भाई इसमें क्या होता है, क्या फ़र्क आता है। तो मैं यहाँ पे छोटा सा बिल्कुल एक पीस काट के दिखाता हूँ आप लोगों को, और कि यहाँ पे स्टिकनेस क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हो सकता है कि वो मेरे हाथ पे नॉर्मल वाला टेप चिपक रहा हो, बट इसकी स्टिकनेस काफ़ी ज़्यादा मजबूत है एज़ कम्पेयर टू दिस टेप। हो सकता है कि मैंने यहाँ पे गलत टेप चूज़ किया हो नॉर्मल वाला, बट यहाँ पे मैं जो साफ साफ कंपेरिजन आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे 3M वाला टेप जो है वो विन कर रहा है। अगर आप लोगों को इस डिस्पेंसर की वीडियो देखनी है तो सबसे पहले आपको इस वीडियो को 50 लाइक कर देने होंगे, साथ ही में 10 लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आप लोगों को डिस्पेंसर की वीडियो चाहिए, तो मैं ज़रूर इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा। साथ ही मैं बता दूं कि हमने अपने चैनल पे अमेज़ॉन बेसिक्स की तरफ से आने वाले कटर की भी अनबॉक्सिंग कर रखी है, तो वो लोग आप लोग जाके मेरे चैनल पर सर्च कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में आपको मैं उसका लिंक देने का ज़रूर कोशिश करूंगा। अब चलते हैं आगे की तरफ, तो फिर टेप की तरफ में आते हैं और बात करेंगे कि टेप में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैंने इसको काफ़ी अलग अलग जगह पे यूज़ करके देखा है, अलग अलग सरफेस पे भी यूज़ करके देखा है, मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में नहीं दिखा सकता, बट इस टेप के कंपैरिजन में इस टेप की जो 3M वाला टेप है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। साथ ही में यहाँ पे जो इनका अंदर का इनर पार्ट होता है जिस पे ये लोग टेप रोल करते हैं वो भी काफ़ी मोटा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, और उसकी क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो अगर आप लोग
शॉप है, ऑनलाइन सेल करते हो या होम पर्पज़ के लिए यूज़ करना चाहते हो तो ज़रूर आप 3M के टेप के लिए जा सकते हो। मार्केट का लगभग अगर आप अमेज़ॉन से ऑर्डर करोगे प्राइम है तो आप लोग को इक्विवेलेंट प्राइस ही पड़ेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी इसको खरीदने की, वहाँ से जाके आप इसको ज़रूर खरीद सकते हो। और साथ ही मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो कॉमेंट्स में जाकर ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक रेंडर साइनिंग ऑफ।